नमस्कार जी, मैं मंजू। अगर आपको कोक्स कोम लगाने का टाइम नहीं मिला है, या फिर आप ग्रो नहीं कर पाते हैं, आपके जो छोटी पौध वो मर जाती है, तो आप कटिंग से लगा लीजिए। तो इस टाइम जो कटिंग है आपकी 4 दिन में तैयार हो जाती है। तो कटिंग लेनी कैसे है? हाँ, एक चीज़ मैं बताऊँ, कटिंग से ये भी फ़ायदा रहता है कि उसमें 4 दिन में जो रूट्स बन जाती हैं, अगर 4 नहीं तो चलो हफ्ता ही सही, तो 4 दिन में आराम से रूट्स जो बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, हो सकता 4 से पहले ही बन गई हूँ। तो किस तरह से कटिंग आपने लेनी है, ये जैसे मेरे कोक्स कोम लगे हैं, तो अगर मैं सीड से लगाती हूँ तो 5-6 दिन तो जर्मिनेशन होने में, स्टार्ट होने में टाइम लगता है, और छोटी छोटी पौध जो है बड़ा टाइम लेती है वो बड़े होने में। तो मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे मैंने छोटी पौध लगा रखी हुई है, तो ये मैंने कुछ दिन पहले ही कुछ सीड ये डाले हैं बीच में, ये देखा, ये छोटे छोटे ये दिख रहे हैं। तो इनको बड़े होने में बड़ा टाइम लगता है, और कई बार ऐसा होता है कि चिड़ियाँ जो इनके इनको चुग के ले जाती हैं, इनके पत्ते जो खा लेती हैं तो इन्हें ख़राब कर देती हैं। वैसे खैर, अगर आप एक बार कोक्सकोम गार्डन में लगा दें तो हमेशा आपके गार्डन में कोक्सकोम बने रहते हैं और अपने आप ही प्लांट्स निकल आते हैं। बट अगर आप फर्स्ट टाइम ऐसा कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम इन्हें ग्रो कर रहे हैं, तो फिर अपने पास पड़ोस में देख लीजिए, जिनके पास इनके फ्लावर्स लगे हों तो वहाँ से जो अपनी पसंद के फूल देख लीजिए और कटिंग ले आइए और लगा लीजिए। कुछ ज़्यादा कटिंग्स लगाइए तो 4 दिन में ही जो रूट्स बनना इनकी स्टार्ट हो जाती हैं, तो आप डायरेक्टली इन्हें ग्रो कर सकते हैं, और ट्रांसप्लांट करने का चक्कर ना रखिए, उससे फिर जो प्लांट का थोड़ी ग्रोथ कुछ टाइम के लिए रुक जाती है, तो इससे बहुत जल्दी फूल आते हैं। तो ये देखिए मेरे विंटर वाले जो फ्लावर्स होली होके ये भी खूब अच्छे से खिल रहे हैं, हालांकि मेरे यहाँ खूब गर्मी हो रही है। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, इतने सारे ये बर्ड्स आए हुए हैं इस पे। तो आप कोक्सकोम की कटिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर से मत काटिए, ये साइड से नीचे से देख लीजिए, इतनी सारी न्यू न्यू ब्रांचेस निकलती हैं, तो यहाँ से कोई भी ये कट कर दीजिए ऐसे, और छाया वाली जगह में ही रखना है, और यहाँ पे थोड़ी ठंडक आती हो तो बड़े बड़े प्लांट्स के आप नीचे रख सकते हैं, लगा सकते हैं। तो मैंने जो कटिंग इस तरह से ये ले ली है, ऐसी ले लेनी है आपने, तो पत्तियाँ भी हटाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये जो मैंने बैग रखा है, क्योंकि मेरे यहाँ आज तो बारिश हुई है नहीं, तो बारिश होने का नाम ही नहीं ले रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। कल भी थोड़ी सी बारिश हुई थी, पिछले दिनों इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी तेज़ धूप। तो ये देखिए मैंने ये ऐसे बैग में छुपा के ये कुछ और कटिंग्स ये अंदर लगाई हैं और ऐसे लगाई है। तो ये मैंने 15 तारीख को लगाई थी, तो अभी ये देखिए तेज़ धूप से ये थोड़ी सी मुड़ी भी हुई है, अच्छी भी नहीं है। तो फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये सुबह देखी, 15 तारीख को मैंने ये लगाई है, और 20 की सुबह मैंने इसको देखा, तो इसमें रूट्स बनना जो स्टार्ट हो गई हैं। तो अगर मैं आराम से निकालूँ तो ये देखिए रूट्स इसमें, मैं धो के दिखाती हूँ, ये देख पा रहे होंगे आप, ये देखिए ये। तो मैं इसको धो के अच्छे से दिखाती हूँ फिर। तो इस तरह से अगर आपके पास छाया नहीं है तो ऐसे बैग रख के उसमें ढक के लगा सकते हैं आप। तो ये मैंने कटिंग धो दिया, तो ये देख पा रहे होंगे आप ये रूट्स, ये देखिए। तो एक दिन में तो बनी ही नहीं होंगी ये इतनी बड़ी बड़ी रूट्स, हो सकता 2 दिन पहले बनी हो या 3 दिन, तो इसको मतलब 4 दिन से भी पहले ये बन गई होंगी। ये देखिए कोक्सकोम की कटिंग, बल्कि कटिंग भी अभी ऐसी है। तो इतने अगर पत्ते नीचे से हटाना चाहते हैं 2-4, तो वो हटा भी सकते हैं। तो मैंने इतनी बड़ी कटिंग लगा दी थी, इतनी बड़ी। तो ये देखिए रूट्स, ये देख पा रहे हैं ये, ऐसे तो आप सीधे इसको ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी इसकी ग्रोथ होती है, सीड से लगाते हैं तो उनमें ग्रोथ होने में टाइम लगता है। बस ऐसे करके ये अगर हटाना चाहते हैं तो ऐसे ये ज़रा सी ये हटा लीजिए, बाकी कुछ नहीं करना है, और ऐसे दबा देना है, और जो पोटिंग मिक्सचर बनाते हैं उसी में लगा देना है, और पैन से अच्छे से जहाँ हाथ से ये मिट्टी को दबा देना है ये, और इसको बस ढक देना है। तो मेरे को चाहिए नहीं, मेरे गार्डन में तो खूब सारे प्लांट्स हैं, पर फिर भी मैंने कहा चलो जिनके पास नहीं है, जिनको जरूरत है तो उनको मैं ये जानकारी, और ऐसे ढक देना है क्योंकि ये बीच में खूब तेज़ धूप आ रही है, तो इसको धूप नहीं चाहिए, तो अगर धूप आएगी तो ये मुरझा जाएगी, फिर ये मर जाएगी, तो फिर चल नहीं पाएगी। तो जहाँ बड़े बड़े पौधों के बीच में रख दीजिए, तो ऐसे ही आपको करना है। तो इस तरह से बहुत जल्दी कम टाइम में आप बहुत सारे कोक्सकोम के प्लांट्स तैयार कर सकते हैं, और फिर जल्दी फूल भी आएंगे और घर पे सीड भी तैयार हो जाएंगे। तो कितने भी तरह के करना चाहते हैं तो सीधे पोटिंग मिक्सचर में लगा दीजिए,
और इसी तरह से आपने रखने हैं। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाए हुआ, तो मैं ये जो मेरा दूसरा चैनल है मंजू नेचर लवर, उसमें ये वीडियो डालूंगी। हो सकता कि भाई बहनों ने नहीं देखे होंगे, तो वो इस तरह से बना सकते हैं। नमस्ते जी, शुक्रिया।